और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अजमेर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में शामिल हुए हैं और मंच पर संबोधित कर रहे हैं। आज चुनौतियां जो है हमारे देश के सामने वो बहुत बड़ी चुनौती महंगाई की भी है, बेरोजगारी की भी है। आज जो नौजवानों की जनसंख्या है वो आज 3 चौथे हो गई है, देश में भी और राज्यों में भी। आपको मालूम होगा कि अब तो हम लोग पहले चाइना पूरी दुनिया के मुल्कों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुल्क था। अब आपको देखा होगा आपने मीडिया के अंदर भी, अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन गया दुनिया के अंदर। आप सोच सकते हो आबादी बढ़ तो गई है, आबादी बढ़ने के साथ साथ में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, चाहे सरकारें हो केंद्र की राज्यों की किसी पार्टी की सरकार हो, टॉप प्रायोरिटी पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स नौजवान किस रूप में हम तय करें उसकी दिशा क्या होगी, किस प्रकार हमें सरकारी गैर सरकारी उनको रोजगार मिले, माहौल वो बने देश में और प्रदेशों में, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, संभावना बढ़ जाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। सरकार किसी भी हो एक सीमा तक ही सरकारी नौकरी लग सकती है। राजस्थान में आज हम लोग 3 लाख से अधिक की नौकरी लगा रहे हैं, 1.5 लाख नौकरी लग चुकी, लगभग 1.5 लाख प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं। अभी मैंने घोषणा की थी इस बजट में 1 लाख नौकरी और लगाएंगे। एक सीमा होती है, हमने इन्वेस्ट राजस्थान का जो ऑर्गेनाइज किया था करीब 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। आपको जान के खुशी होगी करीब 49% उनमें से इन्वेस्टमेंट आने लगे राजस्थान के अंदर। हालांकि उसके अंदर कई छोटी छोटी इकाइयाँ भी हैं। हमारा प्रयास है किस प्रकार से राजस्थान में ऐसा माहौल बने जिससे कि देश का दुनिया का इन्वेस्टर राजस्थान की तरफ आने में रुचि दिखाए, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे। मेगा फेयर अभी चांदना जी कह रहे थे कि मैंने घोषणा की बजट में 100 मेगा फेयर लगाए जाएंगे, वो एक बात हुई। मेगा फेयर कामयाब तब होंगे तब इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री लगेगी तो ही तो वो हमारे मेगा फेयर में आएंगे आपसे बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। नौकरी लगाने में सक्षम तभी होंगे तब जो है वो मेगा फेयर कामयाबी तब होंगे और आने वाले भी कामयाब तब होंगे, तब वो वाइबल होंगे या प्रोजेक्ट तभी वो आएंगे। तो राजस्थान सरकार तमाम वो काम कर रही है। देखा होगा मैंने कहा मिशन 2030 मैंने क्यों कहा, हम पहले से प्लानिंग कर रहे हैं अगले लॉन्ग टर्म की, कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य क्या होगा, उस तक राजस्थान क्यों नहीं नंबर 1 बने देश के अंदर, वो तो बनेगा तब हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर भी क्यों नहीं हो। राजस्थान में संभावनाएं छिपी पड़ी है, टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे गांवों के हों चाहे शहरों के बच्चे हों, छात्र हो युवा हो, कोई कमी नहीं टैलेंट की। और मुझे कहते खुशी है और वो स्थिति आ चुकी राजस्थान के अंदर की शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दो ही बातें हैं, एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य, दो अगर प्रदेश के लोगों को मिल जाए तो बाकी काम, जब शिक्षित होगा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा ह्यूमन रिसोर्स का, बाकी काम उसमें क्षमता पैदा हो जाएगी, योग्य होंगे वो शिक्षित होंगे तो पानी की समस्या हो, बिजली हो, गवर्नेंस हो, सड़कें बनाने की बात हो, इरिगेशन हो,
हर क्षेत्र में हम कामयाब हो सकते हैं। और मुझे कहते खुशी है कि राजस्थान के अंदर आज तमाम वो संस्थाएं शिक्षा की, ये पंडित नेहरू की देन है, जब आजादी के वक्त में जो प्रीमियर संस्था बनी थी IIT, IIM, ICAR, तमाम संस्थाएं आज राजस्थान के अंदर है, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, जो शिक्षित करने वाली संस्थाएं हैं प्रीमियर, उनका ध्यान भी दिया जाता है। अंदर पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब सिर्फ 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे, आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है, आप सोच सकते हो। पिछले साल के अंदर 250 कॉलेज खुले हैं राजस्थान के अंदर, 25 साल के अंदर, और मैंने इन 5 साल के अंदर 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज खोल दिए। उसमें 130 लड़कियों कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, और मैंने घोषणा कर रखी है जहाँ पर 500 लड़कियाँ पढ़ने आएंगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि सरकारी प्रायोरिटी क्या है, शिक्षा प्रायोरिटी, मेडिकल शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो नर्सिंग की हो, या जनरल सब्जेक्ट कोई हो, स्वास्थ्य केंद्र आपने सुन लिया चंद से, आपको मालूम है राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार देश के अंदर है जिसने बहुत बड़ा जंप किया है। आज बजट का 7% मैं खर्च कर रहा हूँ सिर्फ स्वास्थ्य के अंदर। पिछली गवर्नमेंट में 10,000 करोड़ खर्च होते थे एक साल में, अब मैंने बढ़ा के 22,000 करोड़ कर दिए स्वास्थ्य के लिए सेवा। इसीलिए हम लोग राइट टू है क्यों लेकर आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं, हर राइट टू हेल्थ का आपको अधिकार दिया गया है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, RTE, राइट टू एजुकेशन दिया अधिकार, राइट टू फूड का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये पार्लियामेंट कानून बनाए गए हैं पहली बार ITR के अंदर, UPA गवर्नमेंट वक्त में हमने यहाँ दे दिया है राइट टू हेल्थ अधिकार, सोच समझ के दिया है। आलोचना करेंगे इकोनॉमिक की, मैंने कहा आप निश्चित रहो चाहे OPS हो कर्मचारियों की, और जो राइट टू हेल्थ एक्ट बना हो, इसको हम कामयाब करके बताएंगे, ये मैंने कह रखा है आम जनता को। आप देखेंगे स्वास्थ्य का अधिकार देने का मतलब है हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बीमारी आदमी को थका देती है, परिवार को गरीबी रेखा के अंदर आ जाती है, परिवार कई मकान बेचने पड़ते हैं, हमारे यहाँ इतने अच्छे संस्कार, एक माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि बचने की संभावना नहीं है, तभी हम लोग लाख दो लाख खर्च कर देते उधार लेकर के, गहने बेच करके, मेरे माँ बाप बचने चाहिए, ये हमारे संस्कार है। जब संस्कार है ये, तो उसकी स्थिति क्या बनती है आर्थिक रूप से समझ सकते हो आप परिवार की। अब इन्हें गारंटी दे दी है उनको राइट टू हेल्थ, चाहे 5 लाख खर्च हो या 25 लाख खर्च हो परिवार पे, सरकार आपको पैसे देगी, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, उधार लेने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के जो फैसले हुए हैं वो आपके सामने हैं। डेड एडमिशन चल रहा है, हर घर में नल लाने की योजना, आधा पैसा सरकार दे रही, भारत सरकार आधा पैसा हम दे रहे हैं, बिजली सोलर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर जब तक वो नहीं लगे तब तक हमें प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, अभी सही कोयला मिल नहीं रहा हमें छत्तीसगढ़ से, कई कारण वहाँ पर आ नहीं रहा कोयला, हम लोग लगे हुए प्रयास के अंदर, सड़कें शानदार बनी राजस्थान के अंदर, अब खुद देख रहे गाँव में शहरों में अब टूटती रहती है, ठीक होती रहती है, अलग बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आप निश्चिंत रहें, जिस प्रकार से सरकार ने बीड़ा उठाया है, अब 30,000 बच्चों को हम कोचिंग, जो फीस नहीं दे सकते हैं उनकी फीस सरकार दे रही है, 30
11 बच्चों की, पहले 15,000 थे, इस बार मैं 30,000 कर दिए हैं। कोचिंग जो है, कोचिंग अब सरकार करवाएगी, गरीब बच्चों की मिडिल क्लास है उनकी करवा रहे हम लोग। आपका मालूम है कि 500 बच्चों को, पहले 200 थे, अब मैंने 500 कर दिए। दुनिया किसी मुल्क में, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जो टैलेंटेड बच्चे हैं फीस नहीं भर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर को बचपन के अंदर बड़ौदा के महाराजा ने उनको भेज दिया, गायकवाड़ ने इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया, और अंबेडकर ने संविधान निर्माता के रूप में पहचान बनाई, देश दुनिया के अंदर उनके नाम है।